आज मल्टी टू फूड में कुछ बहुत मजेदार और स्वादिष्ट होगा। और आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि यह अलग अलग साइज के ट्रीट्स के साथ चुनौती का समय है। आज बड़े, मध्यम और छोटे ट्रीट्स होंगे, हमारे साथ बने रहे। मेरे पास मसालेदार नूडल्स का सबसे छोटा हिस्सा है और मेरा हिस्सा स्पष्ट रूप से बड़ा है। इसे देखकर ही मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। दोस्तों, तुम्हें दिख रहा है, मैं इतना तीखा नहीं संभाल सकती। मुझे तुमसे सहानुभूति है जैस। लिली, तुम्हें पहले नूडल्स खाना है। मुझे एकदम आसानी से। मुझे दिख रहा है कि तुम्हें कितना मिला है। उसके सामने मेरा बकेट बिल्कुल महत्वहीन लगता है। तुम्हें पता है, मुझे ये पसंद आया, बहुत स्वादिष्ट। ओह, मेरी जीभ जल रही है, मदद करो, कितना तीखा। ओह, मुझे दूसरों से कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है, यह बहुत तीखा नूडल्स है। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि क्विंटन इसे कैसे खाता है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। मैं ताकतवर हूँ और बोल्ड, इसलिए मुझे नूडल से निपटना होगा। फिर चलो शुरू करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ जल रहा है। ओह, अब समय है क्विंटन का आग पर काबू पाने का। जेस, अब तुम्हारी बारी है नूडल्स को खाने की। कितना डरावना है। ठीक है, हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि कोई चमत्कार हो और नूडल्स बिल्कुल भी मसालेदार ना निकले। लेकिन मैं ऐसे चमत्कारों में विश्वास नहीं करती। वह कितनी तेजी से खा रही है। ओह, मैंने खा लिया, अब मुझे खाना छूना भी नहीं है। लगता है कि आग लग रही है। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तीखे नूडल्स की वजह से यह सब भी हो सकता है। यह बहुत अच्छा निकला। अफसोस, मेरे पास बहुत कम शहद है, मुझे और चाहिए। मेरी तरह? हालांकि मेरे पास भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ क्विंटन का जार ठीक है। हाँ, मेरे पास बहुत सारा शहद है। शायद मधुमक्खियाँ खाते समय बहुत थकी हुई थी। जैस, तुम शुरू कर सकती हो, तुम पहले जाओ। मेरे पास बहुत अधिक शहद नहीं है, इसलिए मैं इसे जल्दी से खा लूंगी। ये इतना छोटा है कि मैं अपनी उंगलियों में जार को मुश्किल से पकड़ पा रही हूँ। ये कम है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अरे बाप रे, इतनी मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? ओह, बचाओ, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, उसने मुझे काटा है। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अब मैं केवल इस बारे में सोचती हूँ कि कैसे जल्दी से अपने शहद के जार को खाऊं। मुझे लगता है कि जेस के शहद से भी कम स्वादिष्ट नहीं है। वाह, कितना दिव्य स्वाद है। आशा है कि मधुमक्खियाँ इस पर नहीं मंडराएंगी। ओह, बचाओ, कोई मदद करो। मधुमक्खियों की आज छुट्टी है। जेस और लिली पर हमला करने के बाद उनके पास और समय कैसे होगा? अगर वे सब भाग गए हैं तो मुझे शहद खाने से कोई नहीं रोक रहा है। इसके अलावा मैं इतनी ज्यादा शहद को कैसे मना कर सकता हूँ? यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। यह क्या है, इतनी मधुमक्खियाँ क्यों है? बचाओ, कोई बचाओ। मैंने काफी शहद पी लिया, अब मेरे पूरे शरीर को काट लिया गया है। मुझे लगा कि वो मुझे खा लेंगे। हाँ, उन्होंने तुम्हारे पूरे चेहरे पर काट लिया है। हाँ, और सिर्फ चेहरा ही नहीं, मुझे पूरी तरह से खाया जा चुका है और हर जगह बहुत दर्द हो रहा है। लड़कियों, मैंने पूरी मधुमक्खी के छत्ते से लड़ाई लड़ी है। ऐसी डरावनी घटना को मैं कभी नहीं भूलूंगा, और लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपने को बचा नहीं सका। आज का दिन अशुभ है। मेरे पास फिर से सबसे छोटी ट्रीट क्यों है? इस पर कोला। क्योंकि तुम और अधिक के लायक नहीं हो। मेरे कैन के सामने तुम्हारा कुछ भी नहीं है, देखो मेरा कितना ज्यादा है। अरे वाह लिली, तुम इतना कैसे पी पाओगी? क्यों नहीं पी पाऊंगी, स्वादिष्ट कोला पीना बहुत मजेदार और आसान है। मेरे कैन की ओर देखने की हिम्मत भी मत करना। जेस, तुम्हारा सबसे छोटा है तो तुम शुरू करो। चलो ठीक है, कम से कम मैं इसे चख तो पाऊंगी। जार इतना छोटा है कि मैंने बिना ज्यादा मेहनत के टैप को तोड़ दिया, अब मैं इसे पी भी नहीं सकती।
मुझे इसमें कुछ भी मजेदार नहीं दिख रहा है। और सामान्य तौर पर इस तरह के छोटे जार को बहुत आसानी से खोला जा सकता है। मैंने तुमसे कहा था, देखो मैंने ये पी लिया। सोडा, उप्स। अब मेरी बारी है कोला की एक बड़ी कैन पीने की। वह बहुत शेखी बगाड़ रहा है, इसके लिए उसे सजा देनी चाहिए, जैसे कि उसके कोक में मेंटोस मिला देती हूँ। यह मजेदार होगा। ओ, 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 लगता है अब कुछ होगा। यह मेरे जीवन की सबसे मजेदार बात है। क्या मजेदार? बेवकूफी भरी शरारत, ये तुमने ठीक नहीं किया। Stop. तुम्हारी शिकायत किस बारे में है? मेरे पास अभी भी सबसे ज्यादा कोला है और इसे पीने का समय आ गया है। मुझे यह भी पता है कि यह कैसे करना है। मैं ऐसा जार नहीं उठा सकती, लेकिन एक सुपर स्ट्रॉ मेरी मदद करेगा। वाह, वो बहुत जल्दी कोला पी रही है। उफ, मैं जिंदगी में पहली बार कोला पीते पीते थक गई हूँ। ओ दोस्तों, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो कितना स्वादिष्ट था। ओ, मेरे अंदर कुछ गैस बन रहा है और वो जल्दी बाहर आ जाएगा। आंधी, अगर बचा सकते हो तो कोई बचाओ। मुझे आशा है कि एक कॉर्क हमें बचाएगा, नहीं तो हम सब उड़ जाएंगे। फ्यो, अब ठीक है। लिली, इसे अपने मुंह से मत निकालो, नहीं तो हम उड़ जाएंगे। मछली, यह अच्छा है कि यह छोटा है, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अनुचित है। क्या तुमने देखा है कि मुझे कितनी बड़ी मछली मिली है? यह अनुचित है, उसकी वजह से अब पूरा कमरा बदबू मार रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि जब वह मेरे मुंह में जाएगी तो मेरा क्या होगा। इसके बारे में सोच कर ही मैं बीमार हो जा रही हूँ। केवल एक चीज जो मुझे खुश कर रही है कि क्विंटन सबसे पहले खाएगा, नहीं जैस पहले करेगी। जाहिर तौर पर यह वास्तव में मैं हूँ, कहीं मैं उल्टी ना कर दूं। हालांकि मुझे ऐसी छोटी मछली का सामना करना चाहिए, यह बकवास है। मछली नदी या समुद्र में होनी चाहिए, मेरे पेट में नहीं। क्विंटन, तुम किस पर हंस रहे हो? तुम्हारे भी खाने का समय हो गया है। ओह नहीं, मैं यह भी नहीं जानता कि इसे किधर से खाऊं। हर तरफ से यह बदसूरत है। बिल्कुल, अगर इसमें से फिश स्मूदी बनाते हैं तो मैं इसे ज्यादा तेजी से पी पाऊंगा। मैं कितना जीनियस हूँ। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तैयार, और एक शानदार आइडिया, इसे पीने के बजाय फर्श पर गिरा देता हूँ। क्विंटन, तुम क्या कर रहे हो? तुम ये बकवास क्यों पी रहे हो? पी रहे हो? वह किसे बेवकूफ बनाना चाहता है? मुझे सब दिखाई दे रहा है। हमें ब्लेंडर को कुछ सेंटीमीटर साइड में ले जाने की जरूरत है, ताकि सारा गू वास्तव में क्विंटन के मुंह में चला जाए। छी, कितना घिनौना है। यह अब तक का सबसे खराब स्मूदी है जिसे मैंने आजमाया है। लिली, अब तुम। लिली, तुम क्यों बैठी हो? यह खाने का समय है। ओह, असली लिली कहाँ है? खाने से पहले भाग गई? अपने आप को कार्डबोर्ड कटआउट में बदल दिया, यह अच्छा नहीं है। चलो उसे कार्डबोर्ड केक दिखाकर उसके साथ प्रैंक करते हैं। अच्छा आइडिया है। अरे वाह, मैं केक खाकर खुश होंगी, दिखने में भी स्वादिष्ट है। कितना अच्छा लग रहा है। यह क्या है? यह एक शरारत है। तुमने अपने आप को कार्डबोर्ड कटआउट से बदल दिया और हमने तुम्हें वही केक का कटआउट खिसका दिया। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे लिए अभी भी एक स्वादिष्ट और विशाल मछली इंतजार कर रही है। छी, मैं यह नहीं खाना चाहती। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो तुम दोषी होगे। चलो खाती हूँ। उफ, क्या मुसीबत है। दोस्तों, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है, क्योंकि अब तुम्हें इस भयानक गंध को सूंघना होगा। यह भी उतना ही घिनौना है, लेकिन मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मल्टीडू फूड को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आज के वीडियो में से आपको कौन सी ट्रीट सबसे ज्यादा पसंद आई।